बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, नॉट अनदर वीडियो, एक्चुअली एन अमेजिंग वीडियो। क्योंकि स्टार्ट तो मैंने एक नोटिफिकेशन के साथ किया है। खैर छोड़ो उसे, आज है इस इंसान का बर्थडे, तो हम करेंगे आज इस इंसान की बर्थडे सेलिब्रेशन। ओके जी, सो किचन दिखाया ज़रूर था मैंने कि मैसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैसी ही रहेगा, मैं साफ़ करूँगी। तो मामा गई हुई थी, फिर मैंने पीछे से जल्दी मारी, मतलब स्पीड लगाई और मैंने उसे साफ़ कर लिया। बर्तन वगैरह मामा धो गई थी, वो मैंने फिर असेंबल किया, मैंने रखा उनकी जगह पर, और सब कुछ टर्न करने के बाद मैंने कस्टर्ड स्टार्ट कर दिया था और मैंने उसका बैटर बनाया। और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे जल्दी थी, मुझे बिलाल भाई के साथ जाना था उस्मान भाई का गिफ्ट लेने। तो अगर मैं जल्दी ना करती ना, तो यार वो चला जाता और मेरा गिफ्ट हो जाता मिस, जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैंने इतने दिनों से लगाए थे गिफ्ट 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 गिफ्ट। तो खैर वहाँ से फ्री होने के बाद, कस्टर्ड बनाने के बाद, अब मतलब बनाने के बाद अब असेंबलिंग का टाइम था। तो मैंने पहले नीचे मैंगो फ्लेवर रखा, आप अपने मर्जी से कोई भी फ्लेवर चूज कर सकते हैं। मैंने नीचे मैंगो फ्लेवर रखा, ऊपर फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, एंड देन ऊपर फ्रूट केक, फिर ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर, फिर मतलब कस्टर्ड का फ्लेवर, फिर फ्रूट केक, एंड देन एट लास्ट टॉप पे मैंने फिर कस्टर्ड ऐड कर दिया था। और कस्टर्ड बनाते बनाते ना मेरा हाथ भी जल गया था मेरा। तो खैर डन, ओके ख़त्म। अभी हम जाएंगे गिफ्ट लेने भाई का। कस्टर्ड डन करके मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था, टॉपिंग्स मतलब ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपका दिल करे। और मैं एयरपोर्ट लेने जाऊंगी भाई के, इतने उसमें लगाया था गिफ्ट 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 गिफ्ट, तो भाई बोला था फटाफट चलो फटाफट वापस आएंगे। तो फिर वो गए, हम हॉल रोड गए थे, वहाँ लेने गए, फिर लेके हम वापस आए। वापस हम बेकरी पे आए, बेकरी से हमने चीज़ें ली और हमने अल्फाबेटिकल बैलून्स लिए। ज़्यादा कुछ लेने नहीं दिया मुझे बहने, भाई बहुत लेट हो रहा था और मैंने जो प्लान किया था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, मतलब मैंने वो भी बहुत मुश्किल से लिया। जी तो अभी हम आ चुके हैं, और आ तो हम शायद शाम ही गए थे, फिर हमारे गेस्ट आ गए, फिर हम गेस्ट से फ्री हुए। तो हमने जो बैलून्स वगैरह असेंबल कर लिए हैं वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। अभी हम जो है बना रहे हैं चिकन दाबू, ये पीछे वाली आवाज़ों को इग्नोर करें, हम बना रहे हैं चिकन दाबू, हम बना रहे हैं मलाई बोटी। कस्टर्ड मैंने बना लिया था, व्लॉग में कुछ आपको उसके क्लिप्स मिल जाएंगे। और उसके बाद जी आज का दिन ख़त्म हुआ चाहता है, रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है वी ट्रैवल के लिए, 6:34 हो चुके हैं। तो अभी हम जो मलाई बोटी टिक्का बोटी है जो भी व्हाटएवर जो भी है उनको बना लेते हैं, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो चलते हैं फ्रिज की तरफ, जो कि आई डोंट नो कि क्यों इतनी भर चुकी है 2-3 दिन से। खैर अब ये चीज़ें वगैरह निकलेंगी तो फिर होगा, तो पहले हम इसको लेके जाते हैं। उस टाइम पे ना हम बहुत लेट हो चुके थे, मतलब 6:30 बज चुके थे, और हमने भी कुछ नहीं किया था, बस हमने मसाले वगैरह लगाए हुए थे, हमने मैरिनेट किया हुआ था वो तो हमने एक रात पहले ही कर लिया था, हमने ओवरनाइट मैरिनेशन की थी और वीडियोस एक्सप्लेन की हुई डिटेल्ड वीडियोस मैंने इनके रिकॉर्ड कर ली थी, जल्द आएंगी। और जब आ जाएंगी ना तो मैं इनके लिंक्स ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट अभी नहीं कर सकती, बट आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बहुत मजे के सब कुछ बना हुआ था, और फिर जी स्टिक्स में असेंबल करने के बाद मैंने रख दिया था। वीडियो में आप देखेंगे कम्प्लीटली कि क्या 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 प्रोसेस है। और ये सब कुछ बनाया, बिरयानी बनाई, फिर उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद जी हमने, मैंने नहीं, मामा और पापा ने चाय पी। मामा तो ऑब्वियसली थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो फिर जी चाय पी। आज ये मसाला जो चिकन दाबू का बचा था ना उसके अंदर मैंने कुछ फ्राइज काटी, मतलब पोटैटोज काटे, और उसके बाद हाथ में मैंने कुछ बेसन ऐड करके तो उसको मिक्स किया और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया, ताकि चलो मसाला, मैंने मामा सोच रही थी कि हम ना बिरयानी में ऐड कर देते हैं, बट आई वॉज बी लाइक कि चलो एक चीज़ और बन जाएगी,
फ्राइज़ बना लेते हैं, हम मसाला फ्राइज़ बनाते हैं। तो वही मैंने जो मैरिनेशन वाला बचा था मैंने उसमें डाल दिया। तो मैंने यहाँ रैपअप किया था, क्यों किया, कैसे किया, सब आपको मिल जाएगा। हल्का सा क्लिप रैपअप का यहाँ पे भी है। अच्छा, उसको निकाल लिया था और डन। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सब कुछ डन हो चुका था। और मैं पर्सनली मम्मा तो चलो जो थकी मैं बहुत ज़्यादा मतलब डल थी। और मैंने की कि बस ख़त्म अब यहाँ पे। और ये थे वो बैलून जो मैं लेकर आई थी। और जल्दी जल्दी मैं सिर्फ यही ला सकी मैं। फिर मैंने बहुत सारा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने ये लाइट लगा दी यहाँ पे। सिर्फ हल्का हल्का वो पॉपअप हो रहा था। तो हेयर इज़ द केक, नहीं एक्चुअली हेयर इज़ द बर्थडे केक। तो पता नहीं भाई को इसमें क्या नज़र आया, मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं था ये केक। मैं बोल रही थी नहीं लेना, तो भाई बोल रहा था वो तुम ही खाओगे सिर्फ, बाकी और कोई नहीं खाएगा घर में। मैंने कहा ठीक है ले लो फिर, हमारा क्या जाता है, ले लो, आपको कॉकटेल पसंद है तो फिर ले लो। सो यहाँ पे जी इस शख्स का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो वंस अगेन, खैर ये व्लॉग थोड़ा लेट है बट स्टिल वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल। खैर जी हमारी आपके साथ बहुत बहुत दुआएं हैं, और बहुत मैंने वो कर लिया आपकी तारीफें वरीफें जो कि नहीं की बट स्टिल थोड़ी बहुत जो हुई हुई। अब जी हैप्पी बर्थडे केक काटो। और पापा हैं हमारे साथ, भाई है, मामा है, मैं हूँ, भाभी नहीं थी। ओके सो यहाँ से फ्री हुए। उसके बाद एज यूजुअल जो होता है, जो हमारे साथ तो होता ही होता है और जो होना ही है, मतलब लिखा हुआ है ये कि जितनी मर्जी आप कर लो होनी एक चीज़ है और ज़रूरी होनी है, तो वो ये है मतलब वाह। अच्छा जी यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था, वहाँ से फ्री हुई और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी, क्योंकि 6:30 से तकरीबन 9-10 बजे तक हमारा यही काम था कि हम किचन में कंटिन्यूसली लगे हुए थे। और यहाँ काम स्टार्ट था एज यूजल जो लास्ट ईयर किया था। इस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी इतनी कुछ खास इस बार हमने सब ने मिल के ना, तो दोपहर का खाना, फिर शाम में खाना, फिर रात में चाय, तो वो सब किया। अच्छा एज यूजुअल जो मेरे साथ हैट्रिक है कि मेरा एक सीन तो होना ही होता है, वो क्या है कि मैंने गिफ्ट लिया उसको, मैंने एक एयरपोर्ट्स के, आपको पता है कि कितनी सी इसकी बॉक्सिंग होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, और एक वैक्यूम क्लीनर का जो बॉक्स होता है ना, मैंने उस बॉक्स में इतनी ज़्यादा रैपिंग करके ना उसको पैक किया। उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने उसकी ओपनिंग की भी रिकॉर्डिंग की, और वो दोनों रिकॉर्डिंग्स आई डोंट नो वाई कि वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। एट द एंड जब मैंने देखा तो वो रिकॉर्ड बटन ही क्लिक नहीं था मैं, एंड आई वॉज फील लाइक क्या। मतलब यार ऐसे तो नहीं होता ना, क्यों? कभी कभी ना खुद की गलतियां तो दिल करता है इंसान को खुद को ही बुरा भला कह ले कि भाई तूने क्यों ऐसे किया, एक बटन की बात थी और इतना कुछ अच्छा रिकॉर्ड हो सकता था, मगर नहीं, ये तो होना ही नहीं, ऐसा कुछ तो होगा ही नहीं हमारे साथ। खैर लीव दिस, हो गया। जो एक बंदा क्लिप मिस करता है ना, मुझे आज फील हुआ कि एक बंदा जो क्लिप मिस करता है कि चलो वो रिकॉर्डिंग था वो डिलीट हो गया, वो चीज़ बुरी नहीं लगती। एक बंदा जो क्लिप बनाना होता है बट फिर अनफॉर्चुनेटली आपको रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक नहीं कर पाते ना, वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। खैर वहाँ सबसे फ्री होके हम लोग फिर बाहर चले गए। बाहर इतनी कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं थी। खैर नज़रों ने आज खैर माशाल्लाह बहुत था। और वीडियो अभी तक अच्छी लगी है ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने इतनी मेहनत की, अब आप लोग हल्की सी मेहनत करेंगे बस लाइक शेयर कमेंट करें। और मामा ने बोल दिया पीछे देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी रहा। ये है कि अगर आपको सिर्फ अच्छी लग रही है ना तो वीडियो फिर लाइक कर दो। ओके जी सो अभी मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, इसी तरह हंसते रहें मुस्कुराते रहें। और देख लें जो डेकोरेशन थोड़ी बहुत था, जो मैं दिखा सकी, जो थी वो मैंने आपको दिखाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप भी बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।